SRM टुडे शहर की आवाज। संयुक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आज भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें आज शहीद दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जिस तरह से फांसी पर लटकाया गया था, उसी तरह तीन स्वास्थ्य कर्मी फांसी पर लटके और कहा कि जिस तरह से देश के लिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव फांसी पर लटके थे, उसी तरह से ये अपनी मांगों को लेकर फांसी पर लटक कर जान दे देंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, जिन्हें आज ही के दिन विगत 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था, जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह भुलाया नहीं जा सकता। इसी को लेकर आज संयुक्त स्वास्थ्य कर्मियों ने भी शहीद दिवस पर यह प्रदर्शन कर जताया है कि वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार ब्रिटिश सरकार की तरह है, जो ना तो इनकी ओर ध्यान दे रही है और ना ही इनकी मांगों को मान रही है। सिर्फ इनका शोषण ही सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसीलिए इनका कहना है कि संविदा कर्मचारियों की कर्तव्य परायणता की सजा इस सरकार द्वारा मानसिक एवं शारीरिक शोषण कर, महिला शोषण कर, दमन कर, तानाशाही कर, भ्रष्टाचार कर और 10 से 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवा समाप्ति कर दी जा रही है। जबकि इनकी सिर्फ दो सूत्रीय मांगे हैं, नियमितकरण और निष्कासित साथियों की वापसी। फिर भी सरकार इनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए इन्होंने चेतावनी दी है कि जिस तरह से शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने फांसी लगाकर देश के लिए बलिदान दिया था, उसी तरह से ये भी फांसी लगाकर अपनी मांगों के लिए जान दे देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम सब हम सब एक हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज जो 23 मार्च है, ये है हमारे जो तीन शहीद हुए थे, आज के दिन उनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश शासन द्वारा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनका प्रदर्शन किया हमने, तीन संविदा कर्मचारी को फांसी लगाकर ये प्रदर्शित किया है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है ये हमारे लिए ब्रिटिश शासन जैसी है। और आज जो 23 मार्च है उसमें हमने संविदा कर्मचारियों को फांसी लगाकर ये प्रदर्शित किया है कि हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, ना हम पेट पाल पा रहे हैं बच्चों का, ना उस हिसाब से हमको वेतन मिलता है, तो फांसी लगाकर हमको भी शहीद होना ही ठीक है इस शासनकाल में। आज हमारे संविदा संयुक्त मोर्चा के धरने का 23वां दिन है, उस उपलक्ष्य में हमने आज, चूँकि आज 23 मार्च है, आज बलिदान दिवस है, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को आज ब्रिटिश शासन ने फांसी दी थी, तो उसी तरह से ब्रिटिश शासन जिस प्रकार से दमन करता था, उसी तरह से मध्य प्रदेश शासन हमारा दमन कर रही है, संविदा कर्मचारियों का दमन कर रही है, उसी के विरोध में आज हमने सांकेतिक फांसी
का आयोजन किया है ताकि इसके प्रकार इसके तरीके से हम बता सकें मध्य प्रदेश शासन को कि वो किस तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं। संयुक्त संविदा संघर्ष मंच के बैनर तले हड़ताल का आज 32वां दिन है। सभी संविदा साथी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोग नित नए कार्यक्रम करके मध्य प्रदेश शासन की गुंगी और बहरी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज 23 मार्च पूरे मध्य प्रदेश में शहीद दिवस के रूप में और काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ब्रिटिश काल में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी पर चढ़ गए थे, तो आज हम संविदा के सभी अधिकारी कर्मचारी भी साथ होकर संविदा मुक्त मध्य प्रदेश की स्थापना के लिए हम अपना आत्म बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं। यही प्रयोग हमने आज करके दिखाया है। जैसे कि हम जो संविदा कर्मचारी हमारे जितने संयुक्त मोर्चा है, हमारी जो शिवराज सिंह हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है, उसके ऊपर हम आज 8 दिन हो गए हैं और स्वास्थ्य विभाग वाले हैं जिनको 32 दिन हो गए हैं पूरे धरने बैठे हुए हैं। हमको अगर नियमित नहीं किया गया तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी और मांगों को उनको पूरा करना पड़ेगा। जिस तरीके से शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपनी जानें फांसी दी थी, उसी प्रकार से ही अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सब यहाँ फांसी लगा लेंगे। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।